तो मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट तेज स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का WWE 2K23 की एक और मजेदार वीडियो में। और दोस्तों आज के होने वाले हमारे इस मैच में ना, एक तरफ समोन फैमिली यानी कि टीम ब्लडलाइन है, तो दूसरी तरफ है भाई टीम रोड्स फैमिली यानी कि टीम कोडी रोड्स है भाई। हाँ दोस्तों, टीम कोडी रोड्स में ना एक सुपरस्टार कम पड़ रहा था भाई, तो मैंने ट्रिपल एच को भाई रोड्स फैमिली में डाल दिया है, क्योंकि ट्रिपल एच हमेशा ही कोडी रोड्स को सपोर्ट करते रहते हैं ना। तो आज ट्रिपल एच के पास बहुत अच्छा मौका है भाई रोड्स फैमिली के साथ मिलकर के ना समोन फैमिली को हराने का भाई। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना मैच और देखते हैं कि आज के इस मैच में ना टीम ब्लडलाइन वर्सेस टीम रोड्स फैमिली में से कौन सी टीम जीतती है। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग अपना ये मैच। वैसे दोस्तों आप लोग आज कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो भाई, टीम रोड्स फैमिली या फिर टीम ब्लडलाइन भाई? जिस भी टीम को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो ना, आप लोग मुझे अपने जवाब नीचे कमेंट करके बता सकते हो। चलो भाई मैच को शुरू कौन से दो सुपरस्टार करते हैं देख। अच्छा भाई, सीका और डस्टी रोड ने मैच को शुरू किया, यानी कि रोमन के पापा और कोडी के पापा ने मैच को शुरू किया है भाई। अच्छा, पहले फिनिशर मेरे हिसाब से कोडी के पापा ने लगा दिया भाई, पहला फिनिशर तो लगा दिया सीका को भाई, रोमन के पापा को पहला फिनिशर लगे। नहीं, फिलहाल रॉकी ने बचा लिया ना, वैसे भी सीका किक आउट कर देते मेरे हिसाब से। सीका आपके पास भी मौका होगा भाई, समोन फैमिली को डाउन नहीं करना है भाई आज, रोड्स फैमिली के सामने समोन फैमिली को डाउन नहीं करना है भाई। लेकिन समोन फैमिली थोड़ा बहुत पाप तो कर रही है भाई मैच में, लेकिन चलो भाई लड़ाई झगड़े में ये सब चीज़ें तो चलती है ना। वैसे भी कहा है किसी ने, प्यार और जंग इन दोनों चीज़ों में सारी चीज़ें जायज़ होती है। सुपर किक लगा दी भाई समोन ने, सीका के पास मौका है फिनिशर लगाने का, लेकिन नहीं, सीका फिनिशर नहीं लगा रहे तो गलती करेंगे। पता है अपनी टीम को अगर जिताना है ना सीका ने आज, तो फिनिशर तो लगाने पड़ेंगे। चलो बहुत अच्छा, अपने बेटे रोमन को टैग दे दिया ना इनके ट्राइबल चीफ। ये क्या है भाई, पैरों पे मार रहे हैं डस्टी रोड का सर भाई। ये मैच होगा तो बहुत ही जबरदस्त रिवर्स कर दिया डस्टी रोड ने, रोमन फिनिशर लगाने जा रहे थे पता है आपको, लेकिन नहीं, कोडी के पापा ने इनकी डस्टी रोड ने रिवर्स कर दिया भाई। रोमन एक काम करो, जाके अपने पापा को टैग दे सकते हो, फिनिशर लगा दिया ट्राइबल चीफ को भाई। रोमन एलिमिनेट मत हो जाना मैच से, हाँ मेरे भाई लगा दिया भाई पहला एक फिनिशर तो ट्राइबल चीफ को भी पड़ चुका है, पर एक फिनिशर में तो अपने ट्राइबल चीफ भाई मुझे पता था किक आउट करेंगे या फिर रोप पकड़ेंगे। अभी तो भाई कोडी रोड्स गोल्ड डस्ट और ट्रिपल एच मैच में आए नहीं हैं, और लगभग टीम समोन के दो सुपरस्टार्स की हेल्प चूसती है भाई डस्टी रोड ने अकेले ही, यानी कि रोड्स फैमिली भी जबरदस्त है मेरे हिसाब से। देखा जाए तो दोनों ही फैमिली का जो इतिहास है ना WWE में बहुत ही जबरदस्त रहा है भाई, डोमिनेशन तो दोनों ही परिवारों की रही है भाई WWE में हमेशा से। लेकिन देखते हैं कि आज के इस टैग टीम मैच में कौन सी टीम जीतती है। चलो भाई रेसलमेनिया 40 के अपोनेंट आपस में लड़ रहे हैं अब, पर कोडी को फिनिशर लगाने का मौका नहीं देना है ट्राइबल चीफ, क्योंकि कोडी ने अगर आपको फिनिशर लगाया ना तो आप फिनिशर को किक आउट नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से। कोडी फिनिशर लगा भी नहीं रहे मेरे हिसाब से अभी, रोमन तुम इस फिनिशर लगा सकते थे, वैसे अपने ही कॉर्नर पे है ट्राइबल चीफ, फिनिशर लगा सकते हैं। रिवर्स कर दिया कोडी रोड्स ने भाई, भाई गेम भी जानता है कि कोडी रोड्स की तरफ जाना है करके। अब हो सकता है कि ट्राइबल चीफ इस बार रेसलमेनिया 40 में मैच को हार जाए भाई अपनी। फिनिशर लगा दिया सीका को, फिर से फिनिशर लगा दिया भाई, फिनिशर लगा दिया। लो भाई दो फिनिशर खा चुके हैं यहाँ सीका, अब अगर अगला फिनिशर भी खाएंगे तो मैच से एलिमिनेट हो सकते हैं भाई। फिलहाल ट्राइबल चीफ तो नीचे जाके भाई आराम से बैठे हुए हैं ना, अच्छा स्टंड हुए हैं भाई ट्राइबल चीफ, मैं कह रहा हूँ बैठे हुए हैं। फिर से फिनिशर लगेगा सीका को, लगा दिया फिनिशर, नहीं मुझे लगा सीका को फिनिशर लगा दिया भाई गोल्डस्ट ने, अच्छा फिनिशर फिर से लगाएंगे क्या, नहीं नहीं फिनिशर फिर से क्लोज लाइन मारी है भाई, लगा दिया सीका ने कम से कम पहला फिनिशर लगा दिया गोल्डस्ट को, नहीं किक आउट तो कर देंगे गोल्डस्ट, ट्रिपल एच ने बचा लिया भाई। भाई पूरा का पूरा साथ दे रहे हैं भाई अपने एच, ले भाई तू भी खा ले भाई ट्रिपल एच, एक समोन स्पाइक तू भी खा के थोड़ी देर के लिए स्टंट पड़े रहो भाई ट्रिपल एच। सीका आपके पास मौका है, सोलो को टैग दे सकते हो, अच्छा लीगल आदमी तो गोल्डस्ट है ना भाई, नीचे लुढ़कता हुआ चले गया गोल्डस्ट, डस्टी रोड ने रिवर्स कर दिया। सीका देखो इस तरह फोकस मत करो भाई, जाके अपने टैग टीम पार्टनर्स को टैग दे सकते हो। बाप रे बाप, बहुत ही अच्छा लड़ रहे हैं भाई दोनों फैमिली, बहुत अच्छा लड़ रही हैं दोनों टीमों में से एक भी सुपरस्टार अभी तक एलिमिनेट हुआ नहीं है मैच से। बस यार फिनिशर लगा गया मेरे हिसाब से, फिनिशर रिवर्स कर दिया सीका ने, बहुत अच्छा भाई। रोमन के पापा बहुत अच्छा लड़ रहे हैं यार, वैसे देखा जाए तो कोडी रोड्स के पापा भी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन देखेंगे भाई आज कौन सी टीम जीतेगी आज के इस मैच को, टीम समोन फैमिली यानी कि टीम ब्लडलाइन या फिर टीम रोड्स फैमिली भाई। अच्छा गोल्डस्ट के पास इतना अच्छा मौका है, जाके टैग दे सकते हैं ट्रिपल एच को, लेकिन गोल्डस्ट टैग दे नहीं रहे हैं, फिनिशर है क्या इनके पास, नहीं
गोल्डस के पास फिलहाल कोई फिनिशर और सिग्नेचर तो नहीं है भाई। सीका के पास एक फिनिशर है, सीका ने लगा दिया, गोल्डस गए मेरे हिसाब से। गोल्डस, अरे बच गए यार, लगता है कि गोल्डस भी तीन फिनिशर खाए बिना एलिमिनेट होंगे नहीं मैच से। अच्छा इनका भी ओवरऑल जो 90 प्लस है ना, अरे बाप रे बाप, कितनी जोर से किक मारी है भाई डस्टी रोड्स के मुंह पे। चलो भाई सोलो सिकुआ को टैग दे दिया ना, सोलो के पास भी दो फिनिशर है भाई। गोल्डस को अगर फिनिशर लगाते हैं तो एलिमिनेट कर सक, कर दिया भाई। गोल्डस ने रिवर्स कर दिया यार, सोलो तेरी किस्मत खराब है भाई। सोलो दो फिनिशर खाए थे भाई गोल्डस ने, लेकिन देख रहे हो सोलो का ही फिनिशर रिवर्स किया भाई। सोलो एक फिनिशर और है भाई तेरे पास, नाम सोलो है लेकिन अकेले नहीं चलना इस बार, हाँ फिनिशर लगाना है। रिवर्स कर दिया, चलो गोल्डस ने जाके अपनी टीम को टैग दे सकता है, अपनी टीम को टैग दे सकता है गोल्डस्ट। बेचारा सोलो खाली पीली मार खा रहा है, फिनिशर बेचारे का रिवर्स हो गया, अब जाके टैग दे सकता है गोल्डस्ट। अभी फिनिशर लगा दिया अब के रिवर्स नहीं, फिर से रिवर्स कर दिया भाई। कितनी किस्मत खराब है भाई सोलो सिकोवा की, फिनिशर पे फिनिशर बेचारे के रिवर्स हुए जा रहे हैं। सोलो एक काम कर, रॉकी को टैग दे, कोडी के मुंह पे जमा दिया सोलो ने, डस्टी के भी मुंह पे जमा दिया, एचएचएच के मुंह पे नहीं, जब रिवर्स कर दिया कोडी ने। लो भाई सोलो ये बहुत बड़ी गलती है पता है तेरी, तू जाके टैग दे सकता था भाई। रॉकी है ट्राइबल चीफ, फिनिशर लगा दिया, गोल्डस्ट ने भी लगा दिया फिनिशर, लगा दिया फिनिशर भाई। मेरे हिसाब से सोलो सिकोवा दो ही फिनिशर के मेहमान होंगे भाई, क्योंकि सोलो का ओवरऑल 90 प्लस नहीं है ना भाई, तो मेरे हिसाब से सोलो एलिमिनेट हो सकते हैं मैच से गए भाई। अच्छा गोल्डस्ट के पास एक फिनिशर और है भाई, अच्छा सोलो के ही तो फिनिशर छीने हैं यार गोल्डस्ट ने। रॉकी को टैग दे सकता है सोलो, रॉकी को टैग दे सकता है भाई, जाके टैग दे देना रॉकी को, बहुत अच्छा दे दिया भाई। ब्रामा बुल को टैग दे दिया, गए भाई ये गए, फिनिशर लगा दिया था रॉकी ने यार। अच्छा ट्राइबल चीफ नीचे क्या कर रहे हैं, मार क्यों खा रहे हैं भाई, नीचे जाके अपने कॉर्नर पर चले जाओ ना भाई, वैसे ही टीम को तुम्हारी जरूरत है ट्राइबल चीफ। फिनिशर लो भाई, डस्टी रोड्स को एलिमिनेट कर दिया भाई, बहुत अच्छा भाई। रॉकी तो वैसे भी डस्टी रोड्स को पसंद नहीं करते, एलिमिनेट भी कर दिया मैच से, क्लोज लाइन। बाप रे बाप, ब्रामा बुल तो बहुत ज़्यादा जोश में है भाई, एक आवारा सांड की तरह मार रहे हैं मैं रोड्स फैमिली को, मेन बंदे को एलिमिनेट कर दिया भाई। लेकिन अभी कोडी रोड्स बचे हुए हैं ना मैच में, जब तक कोडी रोड्स मैच में बचे हुए हैं ना, तो मैच को जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है भाई रोड्स फैमिली की। अच्छा नीचे ट्राइबल चीफ मार खा रहे हैं गोल्डस्ट के हाथों से, लो भाई। वैसे देखा जाए तो गोल्डस्ट का ही मॉड बनाया, बड़ा जबरदस्त है भाई, बहुत ही जबरदस्त भाई। अच्छा रॉकी ट्रिपल एच के मुंह पे भी चढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिपल एच नहीं भाई, रॉकी को हटा करके कोडी रोड्स को मैच दिया है ना रेसलमेनिया 40 में, तो एचएचएच को भी मारने का मौका मिलना चाहिए भाई। अच्छा कोडी ने मुंह पे झापड़ मार दिया भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कोडी रोड्स के मुंह पे झापड़ मारा है ना रॉकी ने, उसका बदला ले लिया भाई कोडी रोड्स ने आज, भले ही छोटा सा ही बदला लिया लेकिन ले लिया भाई। अरे रॉकी पीछे फोकस करना था भाई, रिवर्स कर दिया, बहुत अच्छा यार। रॉकी तो बहुत अच्छा मैच लड़ रहे, फिनिशर लगाना है रॉकी, रॉकी फिनिशर लगा दो भाई। रॉकी के पास फिनिशर है, एक फिनिशर है क्या रॉकी के पास, दो फिनिशर हैं भाई, चाहे तो कोडी रोड्स को एलिमिनेट कर सकते, कोडी ने रिवर्स कर दिया भाई। वैसे दोस्तों रेसलमेनिया 40 में ना कोडी रोड्स और रोमन, इनमें से आप किस सुपरस्टार को सपोर्ट कर रहे हो भाई? अगर मेरी बात करोगे तो मैं तो ट्राइबल चीफ को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, भले ही कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश हो जाएगी ना इस बार, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ट्राइबल चीफ चैंपियन बने रहे भाई। कोई ऐसा सुपरस्टार ट्राइबल चीफ को एलिमिनेट करे ना जो कि सच में मतलब ज़बरदस्त हो भाई। कोडी मुझे उतने ज़बरदस्त लगते नहीं है भाई, जितना कि उनको बनाया दिखाया जा रहा है ना, कोडी रोड्स उतने ज़बरदस्त मुझे लगते नहीं, लेकिन आप लोग क्या मानते हो भाई, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोडी रोड्स कोई ख़राब रेसलर है, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि कोडी रोड्स मुझे उतने ज़्यादा पसंद नहीं, फिनिशर लगा दिया भाई रॉकी को। चलो भाई बचा लिया ट्राइबल चीफ ने, लेकिन कोडी ने अगर एक फिनिशर और लगा दिया ना, तो मेरे हिसाब से रॉकी एलिमिनेट हो सकते हैं। लगा दिया दूसरा फिनिशर भी, दूसरा क्रॉस रोड लगा दिया। अच्छा दो फिनिशर में भी रॉकी एलिमिनेट नहीं हुए ना मैच से, बचा लिया सोलो ने, फिर बचा लिया क्या? अच्छा रॉकी एलिमिनेट हो गए भाई, रॉकी मैच से एलिमिनेट हो चुके हैं भाई। अच्छा सीका है भाई मैच में, लगे मेरे हिसाब से सीका भी गए मैच से मेरे हिसाब से। अरे बच गए भाई, रोमन के पापा बहुत ज़्यादा फिनिशर खा चुके हैं भाई दो। अरे ले फिर से लगा दिया, कोडी ने चार फिनिशर लगा दिए यार सीका को। रोमन फिनिशर है आपके पास, ग्रिटी ने लगा दिया कोडी रोड्स को, लगा कोडी को एलिमिनेट कर दो मैच से। अगर कोडी को मैच से एलिमिनेट कर देते हैं ना ट्राइबल चीफ, बचा लिया भाई। अब तो मात्र ट्राइबल चीफ और सोलो सिकोवा बचे हैं भाई मैच में, और यहाँ से तीन तीन सुपरस्टार बचे हुए हैं। अच्छा रोमन के पास सिग्नेचर था लेकिन कोडी रोड्स ने रिवर्स करवा दिया भाई, और यहाँ तीन सुपरस्टार बचे हैं भाई, ट्रिपल एच, गोल्डस और कोडी रोड्स। और ट्रिपल एच की तो बाकायदा हेल्थ भी खत्म नहीं हुई है अभी तक, तो ट्राइबल चीफ के हाथों में ही है भाई पूरी की पूरी ब्लड लाइन की साख।
वैसे सोलो सिकोवा भी अच्छे सुपरस्टार हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस मैच में सोलो सिकोवा ज़्यादा देर टिकेंगे, क्योंकि उनकी हेल्थ तो वैसे भी चूस चुकी है ना भाई। चलो कोडी को फिलहाल कमज़ोर तो कर रहे हैं ट्राइबल चीफ, बहुत अच्छा स्टंट कर दिया। अच्छा कोडी एलिमिनेट नहीं हुए यार रोमन, कोडी अभी तक मैच से एलिमिनेट नहीं हुए रोमन। अच्छा सोलो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है सोलो भाई, थोड़ा थोड़ा मारते रहना कोडी रोड्स को। देखा जाए तो रोमन के पापा ने आज का मैच बहुत अच्छा लड़ा भाई, चार चार फिनिशर खाए हैं भाई मैच में, कोडी के मुंह से खून आ चुका है भाई। रोमन रिंग के अंदर डाल सकते थे लेकिन रोमन को रिवर्स कर दिया कोडी रोड्स ने। रोमन के पास सिग्नेचर और फिनिशर दोनों है, तो मौका लगाने का अगर जैसे ही मिले ना रोमन आपको, लगा सकते हो भाई। सीका को मत लगा देना, अपने पापा हैं तुम्हारे वो। अरे अरे ट्रिपल एच बहुत अच्छा, ट्रिपल एच ने अंदर डाल दिया भाई। अरे अरे रोमन क्यों मार खा रहे हैं, क्यों मार खा रहे हैं बाहर जाके। कोडी रोड्स को मौका मिल गया भाई, कोडी को मौका मिल गया रोमन, कोडी को मौका मिल गया रोमन। टैग मत देने देना, टैग देने दे दिया आपने। स्पेयर लगा सकते स्पाइन बस्टर भाई, ट्रिपल एच तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं भाई कोडी रोड्स की टीम को। देख रहे हो आप लोग कितना अच्छा लड़ रहे हैं भाई ट्रिपल एच भी, भले ही मैच में अभी अभी आए हैं ना, आते ही स्पाइन बस्टर लगा दिया भाई। और तीन फिनिशर हैं अपने गेम के पास, यानी कि आज टीम ब्लडलाइन के साथ गेम हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर रोमन को एलिमिनेट कर देते रिवर्स कर दिया, लगा दी पेडिग्री, पेडिग्री खाली रिवर्स कर दिया, ट्राइबल चीफ ने रिवर्स कर दिया बहुत अच्छा, पटकेंगे, पटकी दे दी बहुत अच्छा। रोमन फिनिशर है आपके पास, दो फिनिशर है, एचएचएच का भी फिनिशर खा लिया है तुमने, तो दो फिनिशर में गेम एलिमिनेट हो सकते हैं मैच से। सोलो को टैग नहीं देना था रोमन, सोलो के पास कुछ भी नहीं, फिनिशर खाएंगे ये ट्रिपल एच के हाथों से। मैंने कहा था आपसे कि सोलो फिनिशर खाएंगे करके, सोलो गया मैच से, बच गया भाई। अच्छा दो ही फिनिशर पड़े हैं ना सोलो को अभी तक, तीसरा फिनिशर नहीं खा पाएगा सोलो सिकोवा मेरे हिसाब से। रिवर्स कर दिया बहुत अच्छा, किक आउट तो करना ही था सोलो ने। सोलो एक काम कर, खड़े उठ जा भाई, गोल्डस्ट को तो एलिमिनेट कर दे, 2-on-2 मैच भी अगर हो जाता है ना। अच्छा गोल्डस्ट के पास दो फिनिशर हैं भाई, मेरे हिसाब से गोल्डस्ट फिनिशर लगाएगा, देख लेना आप लोग। पावर बॉम्ब, सोलो बस एक फिनिशर का मेहमान है मेरे हिसाब से, अगर सोलो को फिनिशर लग जाता है तो सोलो गए मेरे हिसाब से। लगा दिया सोलो रिवर्स, रिवर्स मत करना गोल्डस्ट, गोल्डस्ट एलिमिनेट बहुत अच्छा भाई। सोलो के पास अब कुछ भी नहीं है, रिवर्स कर दिया बहुत अच्छा। सोलो एक फिनिशर और है तेरे पास, एलिमिनेट कर सकता है गेम को, एलिमिनेट कर सकता है भाई। कोडी रोड्स के साथ गेम हो सकता है भाई अब, लेकिन गेम के पास अभी हेल्थ बहुत ज़्यादा है, कम से कम एक दो फिनिशर लगेंगे ट्रिपल एच को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि अभी तक फिनिशर एक भी नहीं लगाया ना अपने गेम को। तो अगर सोलो एक सिग्नेचर और फिनिशर लगा देता है ना, तो शायद मैच से एलिमिनेट हो जाए अपने ट्रिपल एच। अच्छा सोलो फिनिशर है तेरे पास, तो फिनिशर दे सकता बहुत अच्छा। सोलो काम तो अच्छा कर रहा, लगा दिया सोलो ने, लगा दिया भाई। सोलो के पास सिग्नेचर है, सोलो ने सिग्नेचर भी लगाना चाहिए पता है आपको, अगर सिग्नेचर लगा देता है तो शायद गेम एलिमिनेट हो जाए मैच, लेकिन सोलो का सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर भाई ट्रिपल एच अब एलिमिनेट हो जाएंगे मैच से। सोलो ने पूरा का पूरा गेम बदल दिया है भाई, सोलो को मैं तो लूल सुपरस्टार समझ रहा था यार, रॉक बॉटम योर रन आगे गेम को एलिमिनेट कर दिया भाई, सोलो ने पूरा का पूरा गेम परिवर्तित कर दिया है भाई। और भाई ट्रिपल एच को समझा भी रहे भाई कि समोन फैमिली के आड़े में मत आना भाई, लगा दिया रोड्स ने, लगा दिया फिनिशर यार, क्रॉस रोड लगा। अरे सोलो अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ मैच से भाई, ट्राइबल चीफ बचा लेंगे, बचा लिया ट्राइबल चीफ ने भाई। बाय बाय सोलो ने तीन फिनिशर खाए हैं भाई। अब आप लोग सोचो कि 2K23 में सोलो इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं, तो 2K24 में कितना ज़बरदस्त बनाया होगा भाई, जबकि मेरे हिसाब से 2K24 में तो इनका ओवरऑल ज़्यादा होना चाहिए भाई, बहुत अच्छा खेल रहा है भाई सोलो। तीन फिनिशर खा चुका है सोलो अभी तक, लेकिन अगला फिनिशर अगर खाता है ना तो अब एलिमिनेट हो जाएगा मेरे हिसाब से सोलो। और ट्राइबल चीफ के पास भी दो फिनिशर हैं भाई, यानी कि कोडी रोड्स के अब मैच से एलिमिनेट होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन सोलो को अगर टैग देना पड़ेगा भाई मैच से, अगर सोलो एलिमिनेट नहीं होना चाहते हैं ना, तो ट्राइबल चीफ को जल्द से जल्द टैग देना पड़ेगा भाई, क्योंकि ट्राइबल चीफ टैग तो मांग रहे हैं लेकिन चुपचाप खड़े क्यों हैं, सोलो टैप आउट मत कर देना। अच्छा रेफरी क्यों खड़ा है बुत बन के, जाके टैग दे सकते हो सोलो, टैग दे सकते हो, रिवर्स कर दिया सोलो बहुत अच्छा। ये मुझे लग रहा है कि सोलो का बहुत अच्छा मौका हो सकता है, अगर ट्राइबल चीफ को टैग देते तो बहुत अच्छा मौका हो सकता है सोलो तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा भाई। सोलो ने बड़ा अच्छा काम कर दिया भाई, रोमन फिनिशर है आपके पास, स्पेयर मार रहे थे यार क्रॉस रोड, क्रॉस रोड ट्राइबल चीफ को एलिमिनेट कर दिया यार, रोमन स्पेयर लगाने जा रहे थे हवा में पकड़ लिया भाई। चलो सोलो के पास अब मौका अच्छा है भाई, सोलो अगर कोडी रोड्स को एलिमिनेट कर देता है ना, तो समोन फैमिली का अगला ट्राइबल चीफ तो बन सकता है भाई समोन। अरे अरे जरा सी सोलो की तारीफ किया कि सोलो को देखो भाई, समोन फैमिली का पूरा नक्शा कर रहे हैं, लेकिन नहीं थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा सोलो। कोडी के पास फिनिशर है, कोडी के पास फिनिशर लगा दिया,
कोडी रिवर्स करना है, सोलो रिवर्स नहीं कर, रिवर्स नहीं किया, अरे रिवर्स कर दिया, बहुत अच्छा भाई, सोलो ने रिवर्स कर दिया, कोडी मेरे हिसाब से अब गए, अरे लगा दिया योर नागी लगा दिया भाई, और मैच को भी जीत चुके हैं भाई सोलो सिकोवा, भाई सोलो सिकोवा भाई, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना भाई, सोलो सिकोवा ओपी होना चाहिए भाई, जिस सुपरस्टार से हमको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ना, उसी सुपरस्टार ने आज मैच को जिताया है भाई, सोलो सिकोवा ओपी तो होना चाहिए भाई। तो चलो दोस्तों, आज का ये जो हमारा मैच है ना वो यहीं तक, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और मजेदार वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो, फिट रहो, टाटा बाय बाय।